गुमला के पालकोट वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र की 12 महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया गया ताकि ये महिलाएं खुद का स्वरोजगार कर सके। वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र में 90 गांव हैं, लेकिन हंसदोन गांव का चयन किया गया और उस गांव को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल वन विभाग ने की है। डीएफओ उमेश साहनी, एसीएफ अजीत कुमार सहित कई अधिकारियों ने महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया और स्वरोजगार करने के लिए कहा। महिलाएं पुरुष अपना रोजगार खुद बना लें और अपनी जीविका खुद वो चलावें, परिवार को चलावें, पुरुष और स्त्री दोनों मिलजुल कर परिवार को चलावें। इसलिए पीछे जो लिखा हुआ 60-40 लिखा हुआ है, 60 ऐसे करके 40 लिखा हुआ, उसका मीनिंग है जो प्रशिक्षण आप लोगों ने प्राप्त किया, इस हंसदों गांव के महिलाओं ने, माओं ने, बेटियों ने, बहुओं ने प्राप्त किया, उसके लिए राशि आई थी दो जगह से। ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली से राशि आई थी, इसलिए आपका इस प्रशिक्षण का जो संबंध है दिल्ली सरकार से भी है। और 40 रुपया, 100 में 60 रुपया दिल्ली से आया और 100 में 40 रुपया रांची सरकार ने, आपका झारखंड की सरकार ने दिया, और वन विभाग रांची डिवीजन, रांची वाइल्ड लाइफ डिवीजन और पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हमारे रेंजर साहब अशोक कुमार जी फॉरेस्टर लोग हैं, फॉरेस्ट गार्ड लोग हैं, सबों एसीएफ साहब हैं, इन सबों के मदद से ये पहले तय किया गया है। राशि तो कम है, योजना तो बनी हुई है, योजना तो आ गई, और इसमें आपके पालकोट के जो आश्रयणी क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, इसमें 79 गांव आते हैं जो सरकार के द्वारा नोटिफाइड है, और कुल मिला के और 11 गांव है, 90 गांव इस जंगल में पड़ते हैं। इस 90 गांव में एक गांव का चयन करना था, क्योंकि राशि उसी हिसाब से कम थी, एक ही गांव को चुनना है, वो गांव कैसे चुना जाए, 90 में से एक चुनना है, तो विचार हुआ, रेंजर साहब को काम दिया गया, यहाँ के जो स्टाफ है उनको काम दिया गया, यहाँ के और सारे स्टाफ है उनको काम दिया गया, एक ऐसे गांव का चयन कीजिए जिनके जो है रहने वाले नागरिक बहुत जागरूक हों, महिलाएं सीखने के लिए तत्पर हों, उनमें जिज्ञासा भी हो, तो चुना गया आपके गांव को, हंसदोन गांव को चुना गया। ये बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं, 90 में से आपका चयन हुआ और आपके गांव में फिर देखा गया कि ये सिखाने वाले लोग कौन होंगे, फिर ये देखा गया कि सिखाने वाले लोग कौन होंगे, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, सबको अपने पैर पर खड़ा कराना है, रोजगार सृजन करना है, तो फिर पता किया गया गुमला जिला में सर्व जागृति केंद्र है जो ये काम बखूबी निभाता है पूरे जिला में और अच्छा से काम करता है, जिसके सावित्री देवी मैडम जी सचिव हैं और मैनेजर साहब बगल में बैठे हुए हैं, तो फिर सर्व जागृति केंद्र गुमला को चुना गया और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप ये प्रशिक्षण कार्य करा दीजिए, इन्होंने स्वीकार किया, फिर आपका प्रशिक्षण 2 जनवरी 2024 को शुरू हुआ और 6 मार्च 2024 को पूरा हुआ, जिसमें आप 49 महिलाएं उसमें भाग ली और सफलतापूर्वक उस प्रशिक्षण को आपने पूरा किया। तो मैडम ने सारी बात बता ही दिया, एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक बहू जब कुछ पढ़ लेती है, शिक्षा प्राप्त कर लेती है, तो जनरेशन बदल जाता है। आपने अपना हुनर सीखा, ये सिलाई का क्या चीज़ है, हुनर है, जैसे अब शिक्षा लिखना आ जाता है बच्चों को, तो फिर आपको अब सिलाई करने आ गया, तो आप महिलाओं का वस्त्र आप तैयार कर सकती हैं, बच्चों का, पुरुषों का वस्त्र भी तैयार कर सकती हैं, और आपको उसमें बढ़ावा देने के लिए, आपके को आर्थिक मदद देने के लिए हम अपने विभाग की तरफ से अब ही इस साल 12 मशीन आप लोगों के लिए, सिलाई मशीन आपके सामने रखा हुआ है, आप लोगों को देने के लिए इसको व्यवस्था किया गया है, और आपके गांव में हंसदोन गांव में 9 मंडल बने हुए हैं, जिसमें किसी मंडल में 10 महिलाएं, किसी में 8 हैं, किसी में 7 हैं, और उस मंडल से, किसी मंडल से 4 महिलाएं इस प्रशिक्षण में भाग लें, किसी से 8 महिलाएं भाग लें, किसी से 7 महिलाएं भाग ली, कुल मिला के 9 मंडल से 49 महिलाओं ने भाग लिया, तो हर मंडल को एक एक मशीन दिया जाएगा और आप लोग मिलजुल कर उस मशीन का इस्तेमाल अपने जीविकोपार्जन के लिए करें, अपने घर का कपड़ा तैयार करें, घर के कपड़े की मरम्मती करें, पूजा त्योहार में आपका सिलाई ज्यादा होगा, और जिस मंडल से महिलाओं की प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा थी,
हमारे पास मशीन 12 है, मंडल 9 है, एक एक सबको दे दिया जाएगा। और जिस 3 मंडल से अधिक महिलाएं शामिल हुई, किसी मंडल से 8 हुई हैं, 2 मंडल से 7 महिलाएं आई हैं, उस मंडल को एक एक मशीन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 12 मशीन है, 12 मशीन का वितरण आपको सफलतापूर्वक हो जाएगा और आप लोग फिर भविष्य को अपना बनावें, आपका भविष्य जो है सो उज्ज्वल हो। यही आशा और यही विश्वास के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और गाँव के पुरुष हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप देख रहे प्रभात खबर, गुमला की खबरों के लिए बने रहिए।